खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पीएम मोदी ने लोकार्पण क्या किया, सपाई बौखला उठे। अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट बताकर एक्सप्रेस वे के आसपास जिलों में सपाइयों ने कई जिलों में फीता काट कर पुष्प वर्षा की थी। आज अरवल कीरी में बनी एयर स्ट्रिप पर जहां पीएम ने एयर शो देखा था, वहां दोपहर 2 बजे पूर्व सीएम अखिलेश यादव का विजय रथ पहुंचने वाला था। दोपहर से रात का अंधेरा हो गया, लेकिन अखिलेश नहीं पहुंचे, पब्लिक बैरंग लौटने लगी। सवाल वाजिब है, क्या सपाई लेट रहकर बीजेपी से पार पा पाएंगे। बताते चले कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर अपने नेता की विजय यात्रा को सफल बनाने के लिए समाजवादियों का जमावड़ा दोपहर से ही अरवल कीरी में लगने लगा था। इसौली विधानसभा से वरिष्ठ सपा नेता बीएम यादव 200 वाहनों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं लंबुआ के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे भी भारी लाव लश्कर के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। जयसिंहपुर के पूर्व सपा विधायक अरुण वर्मा ने अपने नेता के स्वागत में भारी भीड़ जमा कर रखी है, लेकिन तय समय से 5.5 घंटे बीत गए हैं और अखिलेश यादव कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि भीड़ छटना शुरू हो गई है। तो वहीं जिलाध्यक्ष पृथ्वीलाल यादव, महामंत्री सलाउद्दीन, विधायक अबरार अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी में पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं पूर्व विधायक अनूप संडा सादगी के साथ मंच पर डटे हुए हैं। कल पीएम ने इसी स्थान से अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश और उनके नेतृत्व की सरकार पर कई निशाने साधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले की सरकारों ने यूपी को ऐसा बना दिया था कि यहाँ रह नहीं होती थी, यहाँ राजनीति होती थी। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले सत्ताधीशों को मेरे साथ खड़े होने में भी वोट बैंक के नाराज होने का भय बना रहता था, मेरे आते ही स्वागत करके गायब हो जाते थे। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। एक जगह